हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि आप एक 2x2 रूबिक्स क्यूब को बहुत ही आसान तरीके से आप 20 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आप इसको 1 मिनट के अंदर अंदर तो कर ही लेंगे, और 30 सेकंड के नीचे भी, 20 सेकंड के नीचे भी कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस करते जाए तो ये 5 सेकंड का भी हो सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला स्टेप है, हमको ये पूरा जो बॉटम लेयर है ना, ये पूरा ये हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वाइट लोगो टाइल है ना, जिसमें एक लोगो होगा वो आपको खोजना है, और फिर जो लोगो है ना वो नीचे की तरफ फेस करना चाहिए। और देखिए ऐसे राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ये होगा ये वाला कॉर्नर। और फिर हमें क्या करना है, देखिए अगर ये जो लेफ्ट में जो ऐसे हमने लिया है, तो यहाँ पे एक वाइट ब्लू कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट ब्लू है, तो यहाँ पे भी वाइट ब्लू होना चाहिए। तो देखिए, तो हमको वाइट ब्लू कॉर्नर है, देखिए यहाँ पे मिल गया है। और हमको एक एल्गोरिथम अभी फॉलो करना है। देखिए ऊपर इस साइड, नीचे इस साइड, देखिए ऐसे, हाँ ऊपर लेफ्ट नीचे इस साइड। चलिए एक और बार करते हैं, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, देखिए। और ये नीचे आ गया है अभी बहुत ही आसानी से। तो देखिए अभी हमको सबके साथ ऐसा करना है, देखिए ऐसे क्यूब को राइट टर्न करना है, और फिर देखिए यहाँ पे रेड वाइट है, तो यहाँ पे भी एक रेड वाइट कोना होना चाहिए। देखिए ये, देखिए अगर ये वाइट है ना, तो आपको क्या करना का पड़ेगा, बहुत लंबा होगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, रिवर्स। और फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वाइट आ रहा है तो आप इसको लेफ्ट टर्न करके देखिए, लेफ्ट ये ऊपर राइट साइड नीचे लेफ्ट, तो देखिए ये भी नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एक आखिरी कोना बाकी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाइट आ रहा है, तो हम क्यूब को लेफ्ट टर्न करेंगे, और फिर ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बॉटम लेयर है वो तो पूरा सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम टॉप लेयर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें भी एक टॉप लेयर सॉल्व करना है। देखिए टॉप लेयर सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये जो कोना है अपने जगह में लाना है। देखिए वो करने के लिए आपको देखना है कि हर कोना अपने जगह में है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ग्रीन रेड, यहाँ पे भी ग्रीन रेड, तो ये कोना अपने जगह में है। देखिए ब्लू रेड, यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज, ये अपने जगह में नहीं है। ब्लू ऑरेंज ये अपने जगह में है, और ये है ग्रीन ऑरेंज, और ये ब्लू रेड, तो ये अपने जगह में नहीं है। तो देखिए जब ये और ये कोना, मतलब डायगोनल ऐसे हैं, तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो दो कोना है इन्हें से स्वैप करना है। तो वो करने के लिए आपको कोई भी साइड लेना है, और फिर ये करना है देखिए राइट वाला एल्गोरिथम जब हम 3 बार करेंगे, 1 2 3, और फिर क्यूब को लेफ्ट टर्न करेंगे, फिर लेफ्ट वाला 3 बार, 1 2 3, और फिर देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। देखिए ये अपने जगह में है, ये अपने जगह में नहीं है, ये भी अपने जगह में। देखिए तो जब हमने स्वैप किया, तो देखिए ये सिचुएशन आपके सामने आया कि ये जो दो कोने जो अपने जगह में है वो ऐसे है, और जो ये हैं इनको वापस स्वैप करना पड़ेगा। और फिर वो करने के लिए देखिए जो दो सॉल्ट एजेस है, मतलब ये दोनों जहाँ मैंने हाथ रखा है, इन दोनों को राइट साइड में रखिए, और फिर जो मैंने अभी किया ना वो फिर से करना। जैसे राइट हैंड एल्गोरिथम 3 बार, 1 2 3, और फिर क्यूब को लेफ्ट टर्न, और फिर लेफ्ट वाला 3 बार, 1
पे देखिए, जब हम क्यूब को रोटेट करेंगे ऐसे करके, तब देखेंगे कि हम जो सारा कोना है वो अपने जगह में है। देखिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लू रेड, ब्लू ऑरेंज, और फिर ग्रीन, ग्रीन रेड, और फिर ग्रीन ऑरेंज। देखिए तो सब कोना अपने प्लेस में है अभी। तो देखिए अभी अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, हमको इनको फ्लिप करना पड़ेगा। अभी ये जगह में आ गए हैं, तो देखिए फ्लिप करने के लिए आपको एक और एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसको ऊपर, ये फ्रंट वाले को ऐसे, इसको नीचे, इसको ऐसे। चलिए एक और बार करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए ये अभी ऊपर उठ गया। अभी देखिए ये फ्रंट लेग को से टॉप में घुमाइए, और देखिए ये कोना इधर आना चाहिए, एक येल्लो कोना, और फिर वही वही वाला करना है। ऐसे 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 ऐसे, मैं स्लोली स्लोली कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे, तो देखिए। और फिर जब आप अपने क्यूब को ऐसे रोटेट करेंगे एक बार, तो आपको जो पूरा रूबिक्स क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है ये वीडियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक छोड़ के जाइए, एक अच्छा सा कमेंट, और प्लीज़ मेरे चैनल यंग जीनियस को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।